आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से दोस्तों हम लोग आधार कार्ड की मदद से दोस्तों पेटीएम अकाउंट को किस तरीके से बना सकते हैं, चला सकते हैं। मेरे पास काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर हमारे पास जो है एटीएम कार्ड नहीं है और हम पेटीएम अकाउंट को बनाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो क्या हम चला पाएंगे सर या नहीं चला पाएंगे, इसके लेकर के जो है एक वीडियो बनाइए। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे जो है आपको काफ़ी तरीके का दोस्तों वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें आपको बताया जाता है कि आप ऐसे चला सकते हैं, वैसे चला सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइव कोई नहीं दिखाता। लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ पूरा आपको चला करके दिखाने वाला हूं दोस्तों। ट्रांजेक्शन भी मैं आपको करके दिखाऊंगा और आप किस तरीके से चला पाओगे सारा चीज़ जानेंगे इस वीडियो में। फटाफट से दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को दोस्तों आपको लाइक कर देना है, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना है। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ठीक है, तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो भी प्रोसेस बताऊंगा, जो भी तरीका बताऊंगा, उस तरीके को जो है बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। थोड़ा सा भी दोस्तों आपको जो वीडियो भगा के नहीं देखना है, नहीं तो आपका काम नहीं बनेगा। फिर मुझे मत कहना कि सर हमारा जो है यहाँ पर इस तरीके का जो है प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे यहाँ पर जो है ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो ऐसा मुझे फिर मत कहना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो है पेटीएम एप्लीकेशन को सबसे पहले अनइंस्टॉल कर देना होगा। यहाँ पर आपको पेटीएम एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले इसे अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसका जो है लेटेस्ट वर्जन में आपको डाउनलोड करना है, जिसका लिंक जो है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोस्तों देख रखा हुआ है। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो है जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करोगे तो आपके सामने दोस्तों ये एप्लीकेशन जो है सबसे फास्ट में देखने को मिलेगा, पेटीएम एप्लीकेशन। आपको यहाँ पर जो इसको लेटेस्ट में डाउनलोड करना है, यानी कि याद रखना दोस्तों आपको जो है पहले से आपके पास जो पेटीएम एप्लीकेशन है उसको नहीं रखना है, आपको लेटेस्ट में डाउनलोड करना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखते थे दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो लेटेस्ट में यहाँ पर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, तभी जा करके जो हम लोग यहाँ पर जो है आधार कार्ड की मदद से चला पाएंगे, नहीं तो दोस्तों चला नहीं पाएंगे, हमें ऑप्शन ही नहीं आएगा दोस्तों आधार कार्ड का। और यहाँ पर जो है आप वीडियो देख कर आपको जो है कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से करना, आपको अनइंस्टॉल करके जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन है, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करना, एंड आपको डाउनलोड करने के बाद ओपन करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर करना है। अब यहाँ पर आपको उसी मोबाइल नंबर को डालना है जो आपके, यानी कि दोस्तों आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। जैसे कि दोस्तों हमारे बैंक अकाउंट के साथ एक मोबाइल नंबर लिंक है, तो चलिए हम यहाँ पर डाल करके नंबर फटाफट से डाल करके लॉग इन करते हैं पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर। आपको भी इसी तरीके से लॉग इन करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक दोस्तों लेकर प्रोसीड हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर जो है ओपन हो चुके हैं। सबसे पहला अब हमारा काम होगा दोस्तों यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट लिंक करने का। सबसे पहले दोस्तों बैंक अकाउंट हमें जोड़ना होगा, तो जोड़ने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसा बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से करना है, याद रखना। तो चलिए फटाफट से मैं प्रोफाइल में क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसे प्रोफाइल में क्लिक करते हो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, देखते हैं यूपीआई पेमेंट सेटिंग्स। आपको यहाँ पर दोस्तों यूपीआई पेमेंट सेटिंग वाले ऑप्शन पे फटाफट से टाइप करना है। बैंक अकाउंट को सबसे पहले हमें जोड़ना होगा, लिंक करना होगा, तो यहाँ पर यूपीआई सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपके सामने दोस्तों आपका इस तरीके का दोस्तों इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपके सामने काफी दोस्तों इस तरीके का बैंक का दोस्तों नाम आ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो भी बैंक में आपका अकाउंट होगा वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो है आपका हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, या दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक होगा, या बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक होगा, या जो भी बैंक आपका होगा वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। या अगर आपको यहाँ से बैंक नहीं मिलता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सर्च टू बैंक नेम, इसमें आपको क्लिक करना है फटाफट से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो बैंक है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर हम सर्च कर देते हैं। जो भी आपका बैंक होगा वो आपको बैंक का नाम यहाँ पर सर्च करना है, एंड आपका दोस्तों जैसे बैंक का आपका यहाँ पर आ जाता है नाम ऑटोमेटिक, यहाँ पर जैसे सर्च करते हो बैंक आपको ऊपर में दिखेगा, उसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके का जो पेज आपके पास दोस्तों इस तरीके का लोडिंग लेगा, एंड आपके सामने दोस्तों ऑटोमेटिक इस तरीके का ऐड होगा। एंड यहाँ पर दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशंस यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो यूपीआई के लिए दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है अब हम यहाँ पर जो है यूपीआई को लिंक कर लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर फटाफट से हम क्या करते हैं ओके गोटेड में क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे लिंक हो जाता है आपको यहाँ पर सेट पिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है दो ऑप्शन यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट में दोस्तों दिखाया जाएगा, एंड यहाँ पर दोस्तों देखते थे यूज द डेबिट कार्ड, एंड यहाँ पर दोस्तों यूज द आधार कार्ड। तो यहाँ पर दोस्तों काफी लोगों को जो है इस तरीके का ऑप्शन जो है नहीं आता है, तो अगर आपको इस तरीके का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मुझे आधार कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड से जो है पेटीएम अकाउंट बना सकता हूँ। आपको दोस्तों अगर नहीं आ रहा होगा तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके को अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं यूज द आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे टाइप करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पर प्रोसीड करता हूँ। अब जैसे दोस्तों प्रोसीड में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं इंटर फर्स्ट
सिक्स डिजिट योर आधार नंबर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है 6 अंक का आधार नंबर यहाँ पर मैं डाल करके प्रोसीड करना है फटाफट से। तो चलिए मैं यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ दोस्तों मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। उस मोबाइल नंबर पे दोस्तों एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी दोस्तों ऑटोमेटिक ले लेता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपने बैंक की तरफ से एक ओटीपी डालना है 6 अंक का, देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख पा रहे होंगे इंटर 6 डिजिट आधार ओटीपी। तो यहाँ पर दोस्तों ओटीपी डाल करके आपको क्या करना है फटाफट से इस डन वाले ऑप्शन क्लिक करना। तो मेरा यहाँ पर दोस्तों ओटीपी आ चुका है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ओटीपी को फटाफट से मैं फिल कर देता हूँ। एंड यहाँ पर जैसे मैं ओटीपी डालता हूँ, डालने के बाद हमारे सामने जो है इस तरीके का हमें ऑप्शन मिले, इसमें क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है बैंक की तरफ से आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो आपको वो ओटीपी जो है बैंक वाला ओटीपी यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर चलिए मेरा बैंक का भी ओटीपी आ चुका है, तो यहाँ पर हम बैंक का ओटीपी यहाँ पर जो है फटाफट से दर्ज कर देते हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों डालने के बाद हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फटाफट से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है 4 अंक का यूपीआई पिन हमको यहाँ पर सेट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आप पिन रखना चाहते हैं यूपीआई पिन, वो आप यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं ये ऑप्शन दोस्तों आधार कार्ड वाला सिर्फ अभी सेंट्रल बैंक में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, पेटीएम पेमेंट बैंक में है, और दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ में है, और इंडियन बैंक में है, जैसे कि दोस्तों और 2-4 और बैंक में है आधार कार्ड का ऑप्शन, इंडोसन बैंक में है। बाकी दोस्तों अभी बहुत सारे बैंक में भी ऑप्शन नहीं आए हैं, बहुत जल्द आ जाएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट में दोस्तों, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय आधार कार्ड से फोनपे बना लीजिए।